नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। अभी आप देख रहे हैं धुन म्यूजिक। तो पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का मैटर का सबसे बड़ा खुलासा अभी हुआ। वीना मानवी पटना पहुंच गई है। अच्छा, वीना मानवी जी मुंबई गई थी तो सिर्फ ये मकसद नहीं था कि पवन सिंह का राय जानना। मकसद से पहले एक मीटिंग हुआ था जो कॉल के जरिए था। वीना सिंह ज्योति सिंह से कॉल करके ये कन्फर्म की थी कि आप भी मुंबई चलें और एक बंद कमरे में आप और पवन सिंह दोनों बैठ के बात करें और आखिरी बात करें, क्या पता ये मामला सुलझ जाए। उन्होंने हामी भर दिया था कि ठीक है मैं चलूंगी लेकिन मेरे साथ कोई और चलेगा, मतलब अकेले जाने से इनकार किया था। तो उधर से हुआ कि पावर स्टार पवन सिंह के ग्रुप से हुआ कि हाँ ठीक है आप लेके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात सेटलमेंट हो गई। अच्छा, सेटलमेंट इस बात पर हुआ कि ज्योति सिंह ने कहा कि मुझे 3 करोड़ और एक फ्लैट चाहिए। 3 करोड़ मिल सकता है तो 25 लाख क्यों नहीं, 30 लाख क्यों नहीं, 40 लाख क्यों नहीं, एक फ्लैट का दाम क्यों नहीं मिल सकता है। तो मानवी सिंह ने रिक्वेस्ट किया पवन सिंह के टीम से, तो उनके तरफ से उनके दोस्त का बयान आया कि ठीक है मैं बात करता हूँ भैया से, और वो मान भी गए हैं लेकिन मर्जी से। जबरदस्ती अगर लेंगे तो उनको लगेगा मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ जिंदगी भर, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सही बात है, स्वाभिमान भी चीज होता है। तो वीना मानवी ने ये सेटलमेंट कर दिया कि 3 करोड़ 25 लाख पे ये रफा दफा होगा, लेकिन एक बार आखिरी बात दोनों साथ बैठ के बात कर ले, क्या पता मामला सलट जाए, एक साथ रहने के लिए राजी हो जाए, अगला आदमी रखने के लिए रेडी हो जाए, अगला आदमी रहने के लिए भी रेडी हो जाए। तो जब 3 करोड़ 25 लाख पे ये मामला सेटलमेंट हुआ तो फिर बयान बदल गया ज्योति सिंह का। ज्योति सिंह ने कहा कि नहीं अब मुझे रहना है, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, अब रहना है। तो भाई जब रहना है तो वीना मानवी ने कहा कि ठीक है तो फिर मैं मुंबई चलती हूँ, वहीं पे बात किया जाए। तो वे एक दिन का फ्लाइट उनका कैंसिल इसी के चक्कर में हो गया कि चलो साथ में चलते, लेकिन वो नहीं गई। तो वीना मानवी को तो जाना था, वीना मानवी वहाँ पे गई, वो नहीं आई। तो ज्योति सिंह ने क्या बोला कि मैं पटना आती हूँ और वो भी पटना आते, पटना में मीटिंग कर ले। तो भाई तो फिर तो है ना भाई, पवन सिंह नाम है बेटा, मूड बनने में टाइम लगता है, तो मूड बनने में तो टाइम लग गया, फिर लग गया। अब जाइए कोर्ट का चक्कर, कितना दिन में निर्णय आता आपको भी मालूम है। तो बात यहाँ पे आकर अटक गई, मतलब हर बार ही मर्द क्यों झुके, औरत क्यों नहीं। रहना आपको भी है, रखना उनको है, तो जिसको रहना और रहने वाला, तो रखने और रहने वाला दोनों अगर का सामंजस्य नहीं बैठेगा तो कोई कोर्ट या कचहरी आपको सिर्फ अधिकार दिला सकता है, सम्मान और दिल में जगह नहीं दिला सकता है। इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं। तो वीना मानवी ने कहा कि ये मामला एक तरफा दिख रहा है और किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि अब वो रखने वाले पक्ष में है या फिर ये रह लेंगे, क्योंकि कोर्ट का निर्णय तो आपको पता है कि सालों सालों चलते रहता है और ये चलता ही रहेगा, इसका ओर छोर है नहीं। तो बहुत सारी ऐसी खुलासाएं हुई। वीना मानवी ने यहाँ तक कहा कि ऐसी भी कुछ हसनाएं आई हैं, लुटेरी हसनाओं जो पैसा ली और चल दिए। पावर स्टार पवन सिंह दिन रात अपने आपको खटाता है एक गाने के लिए, पैसा मेहनत कितना करता है वो नज़दीक से जाके देखे, कितना हम्बल आदमी है वे बता रही है। और वो खुद महिला विकास मंच के अधिकारी कह रही है कि हर बार महिला ही थोड़ी सही होती है, गलत भी होती है, हमेशा मर्द थोड़ी गलत होता है। मर्द की भावनाएं हैं, उसकी भी संभावनाएं हैं, उसका भी खुशी है, उसका भी लाइफ है, उसका भी जर्नी है, उसका फिर सम्मान क्यों नहीं। तो एक तरफा पक्ष और किसी का एक तरफा मत नहीं होता है, दोनों पक्ष की बातें सुने बगैर नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अक्षय सिंह से जब मिलने गए उनके फ्लैट पे तो 15 दिन में पहले गेस्ट हाउस में बैठी, वे फिर आई, फिर नमस्ते नमस्ते के बैठी, तो वहां पे लगा कि मैं स्टार से मिलने आई हूँ। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के घर गई तो उनसे नहीं लगा कि स्टार से मिलने गई, उनको लगा कि मैं नॉर्मल आदमी से मिलने गई और वो मेरा वेट कर रहे हैं, अच्छे से हम लोग बात करना, साथ में रहा, इतने नजदीक से रहा। हालांकि महिला विकास मंच का काम होता है कि न्याय के साथ न्याय करना, उन्होंने अपने बखूबी से निभाया। वे चाहते थे कि ज्योति सिंह और पवन सिंह हर हाल में एक साथ रहें, गलती किसका था और कौन सच था ये चीज को भुला करके और दोनों को एक साथ कर दिया जाए ताकि जीवन के बाकी अच्छे से कटे। लेकिन ज्योति सिंह ने खुद अपनी वजह से घर उजाड़ा, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि जब 3 करोड़ 25 लाख आपको लेना था और अगला ने हाँ कह दिया तो आपको ले लेना था, या तो 3 करोड़ 25 लाख ले लेना था या फिर सामने बैठ के बात करना होता। क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने बैठ के खुलासा होता है, खुद अगर आप आँख से आँख मिला के किसी से बात करेंगे और आप किसी के साथ रहे हैं तो फिर उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है आदमी के ऊपर।
और ज्योति सिंह ने कहा कि मुझसे जब से मैं पवन सिंह से अलग हुई हूँ, मतलब उनसे जब से मैं अपने घर आई हूँ, एक रुपये मैं नहीं लेती हूँ, यहाँ तक मुझे जॉब करने की नौबत आ गई है मुझे। तो भाई उनका सोशल पे आप देखेंगे कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इतना टूर कैसे हो रहा है? ठीक है आपका निजी जिंदगी है, आप अपने घर वाले के पैसे से भी, अपने माँ बाप के पैसे से आप घूम सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, लेकिन 3,25,00,000 आपने मुँह खोल के मांगा और आपको मिला, उधर से मतलब हाँ मिला कि हाँ ठीक है मिलेगा, तो आपको ले लेना चाहिए था ना 3,25,00,000 लेके, कहीं सेटलमेंट हो जाती, अच्छे से जिंदगी जी लेती। अगर वो नहीं करना था तो आपने बोला कि नहीं मैं पैसे नहीं लूंगी, मुझे रहना है। तो भाई किसी को इतना जलील करके, या फिर अगर लड़की को ही इस तरह से अगर लड़का जलील करेगा तो क्या लड़की रहना चाहेगी? नहीं रहेगी। तो फिर लड़का के साथ भी सेम प्रोसेस होता है। तो पावर स्टार पवन सिंह ना गलत है और ना उनकी तरफ से कोई ऐसा बात हुआ। अच्छा मारने पीटने की बात पे भी खुलासा हुआ, पवन सिंह ने कभी नहीं मारा, उनके मित्र मंडली, उनके संगते, उनके कोई स्टार से भी पता किया गया, ऐसा कोई खबर नहीं कि पावर स्टार पवन सिंह मारते हैं लड़कियों को। हाँ आदमी का नेचर है धक्का देना, थोड़ा डांटना, ये तो होता है, हर किसी के यहाँ होता है। और महिला विकास मंच की जितने भी अधिकारी पदाधिकारी थे, खुले तौर पे कहा कि पवन सिंह को लोग लूटा है, पवन सिंह को लोग बर्बाद किया है, पवन सिंह के नाम पे सब ये सब बिजनेस लोग कर रहा है और कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत।